सीसीपी के मुंह से एक ही बात निकलती है, 15 साल हो गए, 15 साल हो गए। हाँ हो गए 15 साल। इन 15 सालों में हमने एक के बाद एक अपराधियों को नहीं पकड़ा है। आज हम एसीपी साहब के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मगर एसीपी साहब ने खून किया है ना। अगर उन्होंने खून नहीं किया तो हम लोगों को पता लगाना चाहिए कि खून किसने किया। तो मुजरिम को ढूंढने की बजाय एसीपी साहब के फोन का रिकॉर्ड क्यों चेक कर रहे हैं हम लोग? अभिजीत तुम्हें मालूम है ना डीसीपी साहब ने क्या कहा? 2 दिन, सिर्फ 2 दिन में हम लोगों को एसीपी साहब को ढूंढ निकालना है, वरना हम सब सीआईडी से आउट। तो हम लोग डर जाएंगे। मेरा ऑर्डर ऑर्डर है, मानना ही पड़ेगा। एसीपी को ढूंढो बस। एसीपी साहब किसी मुसीबत में फंस गए हैं सर। मगर वो है कहाँ? सर हो सकता है कि कोई उन्हें जबरदस्ती उठा ले गया हो सर। एसीपी दूध पीता बच्चा है, जो उसे के गोद में उठा कर ले जाएगा? गोली चलाने को उसके हाथ तड़पते रहते हैं। याद है वो फॉरेंसिक डॉक्टर थी अंजलिका देश में, उसके पति को गोली मार दी थी उसने और बाद में अपने बेटे को मार दिया। सर कई बार सीआईडी की इज्जत भी एसीपी साहब ने ही बचाई है। अरे छोड़ो यार, इज्जत बचाइए। सर आप कुछ टेंशन में लग रहे हैं। क्यों, तुम्हें टेंशन नहीं है? फोन के रिकॉर्ड निकाले उसके? विवेक रिकॉर्ड्स मिले ना? जी सर, 4-5 नंबर्स मिले जिन्हें एसीपी सर ने फोन किया था, मगर वो नंबर अभी बंद है। नंबर बंद है? किसके? सर अननोन नंबर, कोई भी नंबर जाना पहचाना नहीं। और उसका बैंक अकाउंट तो देखा, कितने पैसे हैं उसमें? सर उनका बैंक रिकॉर्ड तो एकदम क्लियर है सर। क्लीन है, बहुत चलाक एसीपी प्रद्युमन, बहुत चलाक, बहुत पहुंचा हुआ आदमी है। बाहर के देशों में छुपा दिया उसने पैसा। बस सर बस, बहुत हो गया। मैं एसीपी साहब के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता। दया तुम्हें बताओ, एसीपी मुजरिम है कि नहीं? सर है ना? हाँ सर। देखा सर, जब तक गुनाह साबित नहीं हो जाता तब तक। जिस आदमी की लाश हमें एसीपी साहब के घर से मिली थी, वो आदमी 4-5 बार बाहर के देशों से इंडिया आया था, वो भी अलग अलग नाम पे सर। ऐसे लोगों से दोस्ती थी? सर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होंगे, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे होंगे। इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हमारे बगैर? हमने से पहले मुजरिमों को नहीं पकड़ा हा? यार दया तुम्हें मालूम है कई बार छुप छुपा के जाना पड़ता है, हम लोग भी गए और तुम कीचड़ उछाल रहे हो उनके खिलाफ। मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी दया। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी। जिस आदमी को मैंने सारी जिंदगी अपना आदर्श माना, एक दिन उन्हीं के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे। सर मैं कह रहा हूँ एसीपी साहब किसी मुसीबत में है, जान खतरे में है उनकी, तो फिर हमें कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक कह रहा है दया, कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं ऐसे माहौल में काम नहीं कर सकता, सॉरी सर। मेरा दिल जानता है एसीपी साहब निर्दोष हैं, और मैं तभी वापस आऊंगा जब मेरे पास उनकी बेगुनाही का सबूत होगा। जाओ जाओ, एसीपी के चमचों की सीआईडी में कोई जगह नहीं है, जाओ। मैं भी जा रहा हूं। तो कहीं सब जाने दो, जाने दो इसे, जाने दो इसे, सिर्फ सर्कस में ही काम मिल सकता है। ये ठीक नहीं हो रहा सर, इस तरह तो सीआईडी में दरार पड़ जाएगी। दरार तो उसी दिन पड़ गई थी जिस दिन एसीपी ने खून किया। तुम लोग नहीं बच सकते, समझे? नहीं बचोगे। हमारी फिकर छोड़ एसीपी, अब तू अपनी फिकर कर। चल चंदा। इस डीसीपी का चेहरा देख के मेरे बदन में आग लग जाती है। बोलता है कि सर्कस में काम मिलेगा, एक डिटेक्टिव का सर्कस में क्या काम? ठीक कह रहा। और तो सर, आपके और दया सर के बीच में झगड़ा करवा दिया।
दया को भी न जाने बीच बीच में क्या हो जाता है। एसीपी साहब के बारे में ऐसा सोच कैसे सकता है वो? एक्सक्यूज मी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? कुछ गड़बड़ है क्या सर? आप जरा ये फोटो देखिए। 10 तारीख की रात को ये आदमी आपके रेस्टोरेंट में खाना खाने आया था। हाँ हाँ, और इनके साथ में एक लड़की भी थी। उसी के बारे में पूछना चाहते हैं, उसको जानते हैं आप? जी हाँ, वो हमारे होटल के कमरे में ही ठहरी हुई है। अच्छा, अभी है वो कमरे में? नहीं नहीं, वो कल अचानक कहीं चली गई और अभी तक वापस नहीं आई। कहीं चेकआउट तो नहीं कर दिया उसने? नहीं, उसका सामान अभी भी कमरे में पड़ा हुआ है। नाम क्या है उसका? एक मिनट सर, जूही। हमें उनका कमरा दिखाइए। मगर सर, इस तरह किसी गेस्ट के कमरे में घुसना, देश के कानून की मदद के लिए कई बार होटल का कानून तोड़ना पड़ता है। दिखाइए आप। ये बाकी मुजरिमों को तो तुम लोग चुटकियों में पकड़ लेते हो, मगर एसीपी को ढूंढने में जो इतनी देरी हो रही है ना, इससे मुझे शक होने लगा कि तुम लोग मेरी आशाओं पे पानी फेर के ही रहो। ये एसीपी को तुम ढूंढने वाले नहीं हो। कोशिश कर रहे हैं सर, लगे हुए तो हैं। हाँ, लगे रहो, तब तक वो देश छोड़ के भाग जाएगा। ऐसे कैसे निकल जाएंगे सर? हमने एयरपोर्ट अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया सर। अरे, यहाँ के एयरपोर्ट को बोला है ना, बाकी शहरों का क्या? किसी भी हाल में सर, एसीपी साहब शहर से बाहर नहीं जा सकते। इसका मतलब है तुम्हें मालूम है कि वो इसी शहर में है, मगर तुम्हारे हाथों में नहीं आ रहा है। विवेक सर, एसीपी के फोन के लिस्ट में 4-5 नंबर मिले थे, तो क्या किया उनका? सर, वो सारे सिम कार्ड्स नकली है, नकली एड्रेस, नकली नाम लिखवा के लिए गए थे वो नंबर्स। ओफो, ये एसीपी चिकना खड़ा है, ये हाथ नहीं आने वाला है, कोई सुराग नहीं छोड़ता है। बहुत टाइम से प्लानिंग कर रहा होगा ये इस जोन की। ये तुम्हारी नाक के नीचे खिचड़ी पकाता रहा वो, और तुम लोग को खुशबू तक नहीं आई। सचिन, तुमने एसीपी के घर की तलाशी ली थी ना? हाँ सर। क्या मिला वहां पे? सर, ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन एक स्केच मिला है सर। ये देखिए सर, ये स्केच। अरे, ये क्या है? कैनिस्टर है सर। अरे, ये तो मुझे भी मालूम है कैनिस्टर है, मगर इसका इस केस से क्या लेना देना है? सर, ये स्केच मुझे वो जो मुजरिम है ना, करम सर, उसके पासपोर्ट वगैरह के साथ में मिला मुझे। फिर कुछ नहीं सर। या तो तुम लोग जरूरत से ज्यादा ढीले हो, या जानबूझ के टाइम पास कर रहे हो ताकि एसीपी 9-2-11 हो जाए। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते सर? कोशिश तो कर रहे हैं। हाँ, करते रहो कोशिश, मगर एक बात ध्यान रखना, 45 घंटे बचे बस। अगर प्रद्युमन नहीं मिला तो सीआईडी की छुट्टी। सर, हेलो, क्या? ओहो, कहां पे? हाँ ठीक है, हम लोग अभी पहुंचते हैं। क्यों सर? रेड क्लाउड गेस्ट हाउस में किसी अनुराग नाम के आदमी ने आत्महत्या कर ली है, वहां जाना पड़ेगा। पर सर, अगर इस केस में घुस जाएंगे तो एसीपी सर के केस का क्या होगा? एसीपी साहब को तो ढूंढना ही पड़ेगा, मगर हम इस केस को भी छोड़ नहीं सकते। आप जरा बाहर जाइए प्लीज। सर, हम लोग यहाँ दुबक के बैठ जाते, उसके आने का इंतजार करते। इतना टाइम नहीं है फ्रेडी हमारे पास, डीसीपी घोड़े पे सवार है। डीसीपी साहब की बेगुनाही का सबूत जल्दी नहीं मिला तो सीआईडी की टीम टूट जाएगी। एक बात समझ में नहीं आ रही सर, आप डीसीपी साहब को लेके इतने परेशान क्यों होते रहते हो? बहुत टेढ़ा आदमी है, सीआईडी में आग लगा के ही रहेगा। एक ही बंगले की इतनी सारी फोटो? जूही के पास इस घर की इतनी सारी फोटोज? लगता है जूही इस घर की जासूसी कर रही थी। फिर तो सर,
इस घर में जरूर कुछ खास बात होगी। कहीं एसीपी साहब तो इस घर में हो सकता है। कुमार्स मेंशन, किसी कुमार का घर है ये। देखो कुछ और मिलता है क्या? सर नोटपैड मिला है और इस पे जयपाक जंक्शन लिखा हुआ है। जयपाक जंक्शन? सर कहीं जयपाक जंक्शन और कुमार मेंशन का कोई कनेक्शन तो नहीं है? हो सकता है। पहले इस कुमार मेंशन को ढूंढते हैं, वहीं से सारे सवालों का जवाब मिलेगा। आइए सर। सर मैंने आपको फोन किया था। लाश कहाँ है? उस तरफ है सर। सर दरवाजा खुल नहीं रहा, मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। दरवाजा खोल कर देखा तो कमरे की साफ सफाई तो नहीं की किसी ने? नहीं सर, सब कुछ वैसा ही है। स्लीपिंग पिल्स, बोतल खाली है, सारी नींद की गोलियां खाली है इसने। सर इसका मतलब ये आदमी आत्महत्या ही करना चाह रहा था। ये क्या? डिक्टाफोन? सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट, मेरा नाम अनुराग है, मैं जिंदगी से परेशान हो गया हूँ। अब और मुसीबतें झेली नहीं जाती, इसलिए जीवन से मुक्ति ले रहा हूँ। मेरी मौत का और कोई जिम्मेदार नहीं होगा। सर ये सुनके लगता है कि अनुराग ने बड़ी आसानी से जिंदगी से हार मान ली। नहीं निखिल, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है सर? 2 महीने पहले प्रमोद नाम के एक आदमी ने भी ऐसे ही आत्महत्या की थी, याद है तुम्हें? उसके हाथ में भी ऐसे ही डिक्टाफोन था। हाँ सर, उसने भी नींद की गोलियां खा ली थी और ये डिक्टाफोन हाथ में लेके सो गया था। हाँ हो सकता है ये आत्महत्या हुई ना। एक काम करो, इस कमरे में जहाँ जहाँ उंगलियों के निशान मिलते हैं सब उठा लो, अच्छी तरह से तलाशी लो उस कमरे की। सर शायद वो खूनी यहां से भागा है, तो यहां पे कुछ है। निकल जरा स्प्रे देना। यहां पे एक निशान है, इसे उठा लो। सर हाँ? लिफाफा है सर, अंदर से खाली है, पर ये स्टैंड लगा हुआ है। लगता है लिफाफा कहीं और रखा हुआ था, यहाँ पे आके गिर गया। ठीक, ऐसा ही लिफाफा प्रमोद के लाश के पास भी मिला था हमें। हाँ सर, और इसमें ये दो स्टैंप सीधी लगी हुई है और एक उल्टी। कोई बात नहीं, इस स्टैंप को लगाने के लिए जो थूक लगा होगा उससे हम खूनी का डीएनए पता कर सकते हैं। कुमार मेंशन, सिक्योरिटी इतना सारा तामझाम, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? एक्सक्यूज मी जी, ये अंदर क्या हो रहा है? अंदर एक एग्जीबिशन चल रही है। एग्जीबिशन? कैसी एग्जीबिशन? वही पेंटिंग्स, मूर्तियां। अच्छा, आर्ट एग्जीबिशन जी। थैंक यू। ये कैसे हो गया? कहाँ चला गया? सिक्योरिटी! इस गेस्ट हाउस के रजिस्टर में कोई एंट्री है कि कौन आया कौन गया रात के कमरे में? नहीं सर, रजिस्टर में किसी का नाम नहीं लिखा है। किसी का नाम नहीं लिखा है मतलब कोई नहीं आया?
फिर भी उसका खून हो गया। हो सकता है सर खूनी गेस्ट हाउस का ही कोई आदमी जिसे ना कहीं एंट्री करने की जरूरत है और ना ही कहीं रजिस्टर पे नाम लिखने की। हेलो हेलो, डोंट वरी, मैं तो ऐसे ही आ गया हूं। यहां से गुजर रहा था तो सोचा एक राउंड मार लेता हूं। ना ना ना, घबराओ मत, एसीपी का नाम लूंगा ही नहीं लूंगा उसका नाम। नहीं सर, एसीपी साहब के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला, वो हम लोग अनुराग के केस में लग गए और तब तो अनुराग का खूनी मिल गया होगा। नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चला। तो ना अनुराग का खूनी मिला और ना एसीपी। सर खूनी को ढूंढना कोई आसान काम नहीं है, दिमाग लगाना पड़ता है, तरह तरह के सबूत जोड़ने पड़ते हैं, लोगों से पूछताछ करनी पड़ती है, तब जाके कहीं खूनी की प्रोफाइल आंखों के सामने आती है। हम तो डीसीपी ऐसे ही बन गए, हमें तो ये सब बातें पता ही नहीं है, है ना? लगे रहो आंखों ही आंखों में प्रोफाइल बनाने को, और उधर अभिजीत, अभिजीत ने एसीपी को भगाने का पूरा अरेंजमेंट कर लिया है। अगर अभिजीत जैसा डिटेक्टिव टेढ़ा हो जाए तो क्या होगा? कहर डालेगा वो, कहर। अभिजीत और एसीपी एक और एक ग्यारह है। सर अभिजीत का इस केस से कोई लेना देना नहीं, अब उसे क्यों घसीट रमेश में? क्योंकि अभिजीत कभी नहीं चाहेगा कि एसीपी मेरे हाथ लग जाए। 3-4 साल बाद जब एसीपी कहीं से वापस आएगा तो मेरे चेहरे को देख के हंसे, उस दिन की याद करके ही मेरा दिल कांप उठता है। एसीपी हंसेगा मेरा चेहरा देख के, वो एसीपी का हंसता हुआ चेहरा। ओ नो, कभी नहीं, कभी नहीं, नहीं कभी। सर ये डीसीपी तो घोड़े से उतरता ही नहीं, इसे एसीपी साहब भी 2 मिनट में चाहिए और खूनी भी 2 मिनट में। सचिन, एक रास्ता है अनुराग के खूनी को ढूंढने का। गेस्ट हाउस की खिड़की पे जो उंगली के निशान मिले थे, सब के सब लग जाओ ये पता करने में कि वो उंगलियों के निशान है किसके। इसके बॉडी के फ्लूइड का टेस्ट किया है और खाल के सैंपल का भी टेस्ट किया है, उससे ये पता चलता है कि इस बेचारे ने नींद की गोलियां खा ली थी। मगर इतनी सारी नींद की गोलियां तो कोई तभी खाएगा ना सर, जब वो मरना चाह रहा होगा। हाँ, और जैसा आप लोगों को मालूम ही है, ये मौत भी ठीक वैसी ही है जैसी 2 महीने पहले प्रमोद की मौत हुई थी। मतलब सर दोनों ने आत्महत्या? ये समझ के मत चलो कि दोनों आत्महत्या है, ये भी तो हो सकता है कि किसी ने इनके सर पे बंदूक रख दी हो और कहा कि सारी की सारी नींद की गोलियां खा लो। मगर आप ये कैसे कह सकते हैं सर? दोनों के हाथ में डिक्टाफोन क्यों था? तो सर प्रमोद और अनुराग के बीच में कोई कनेक्शन है? मुझे लगता है जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है। इसके बातों में मत आना। इसने 3-4 दिन पहले ही तुम लोगों का बेवकूफ बनाया है। अब ये जब कहां से आ गया? दया, तुमने बताया था इसे? हाँ। सालुंके, मेरे हाथ बंधे हुए हैं और थोड़ा प्रोटोकॉल भी है, वरना आज यही कुछ हो जाता। गुनहगार को सजा दिलवाने वाला खुद चल पड़ा गुनाह के रास्ते पे, एक दोस्त को बचाने के लिए झूठ बोला कि एसीपी की गन में से गोली चली ही नहीं। सर वो सालुंके, सर वो है? तुम कौन हो? सीएडी में क्या कर रहे हो? सर मैं वो दया सर के साथ रहता हूँ। तो जल्दी सीख जाएगा दरवाजा कैसे तोड़ते हैं। यस सर। ऐसी बॉडी कहां से लाएगा? सर वो मैं, सर वो एक क्वेश्चन पूछा और हो गया था पापा। सर ये बहुत ही टैलेंटेड लड़का है, अभी अभी ज्वाइन किया सर। अच्छा, कुछ ही महीने पहले ज्वाइन किया, खड़े हो गए हाथ बांध के? नहीं सर, वो क्या बात है अभी? सर वो हम लोग अनुराग और प्रमोद के बीच में क्या कनेक्शन है वो ढूंढ रहे थे सर। तो ढूंढो ना, अनुराग के जितने दोस्त हैं और अनुराग के जितने रिश्तेदार हैं और प्रमोद के जितने दोस्त हैं और प्रमोद के जितने रिश्तेदार हैं, उनमें से कितने दोस्त ऐसे हैं और कितने रिश्तेदार ऐसे हैं जो एक दूसरे को जानते हैं, उन्हें पकड़ो। हो गया बस। माय गॉड, लगता जो यहाँ पहुंच गए। क्या हुआ? चोरी हो गई। चोरी? हाँ चोरी, तुम लोगों के होते हुए चोरी कैसे हुई? एक्सक्यूज मी, मिस्टर और मिसेस कुमार? जी हाँ।
हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? जी हाँ, क्या हुआ यहाँ पे? बहुत ही कीमती चीज चोरी हो गई है। कीमती चीज? क्या था इसमें? सोने का कैनेस्टर था, बहुत ही पुराना था, एंटीक पीस था। सर आप घबराइए मत, हम सारे दरवाजे बंद कर देंगे। सर वो चोर यहाँ से बच के जा नहीं सकता। सर रेडी, इनके साथ जाओ। जी सर। कैसे कैसे भी करके चोर को पकड़ना होगा। अच्छी खबर देनी है। इस साल हमारी कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले 200% बढ़ गया है और ये सब हुआ है आप लोगों की मदद से। अनुराग की आत्महत्या की रिकॉर्डिंग लगाना। ओके सर। मेरा नाम अनुराग है। मैंने अपनी जिंदगी से परेशान होकर आत्महत्या करने का फैसला किया है। मैं और झेल नहीं सकता और इस मौत का जिम्मेदार मैं खुद ही होऊंगा। ये दोनों आवाजें अनुराग की है सर। तो अनुराग ने वाकई में आत्महत्या की है। और सर इस प्रमोद की आवाज भी सुन के ही लग रहा है कि उसने भी अपनी मर्जी से बिना किसी के दबाव में आके आत्महत्या की है। अगर इन दोनों ने एक ही तरीके से आत्महत्या क्यों की ये समझ में नहीं आ रहा। जरा रिकॉर्डिंग फिर से चलाओ। मैंने अपनी जिंदगी से परेशान होकर अपनी जान देने का फैसला कर लिया है। मेरी मौत का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। पॉज करो जरा। कुछ सुना सर? कुछ झंडा लहराने जैसी आवाज आ रही है। कमरे में झंडा कहाँ से आएगा? ऐसा लग रहा सर जैसे पेपर हिलने की आवाज हो। पेपर? हाँ, किसी ने आत्महत्या का नोट लिखकर उसके हाथ में दिया होगा कि पढ़ ले। तो इसका मतलब उसने खुद अपने आप नहीं बोला ये? नहीं, किसी ने उसके सर पे गन रखी होगी और जबरदस्ती किया होगा उसके साथ कि पेपर में जो लिखा उसे पढ़। एक काम करो, प्रमोद की रिकॉर्डिंग फिर से प्ले करना। ओके सर। परेशान होकर मैं खुद अपनी जान दे रहा हूँ। मेरी मौत का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। सुना? हाँ सर, इसमें भी पीछे कागज फड़फड़ाने जैसी आवाज आ रही है। कुछ तो गड़बड़ है। ये दोनों मौतें आत्महत्या नहीं है, खून है। खून? हाँ डॉक्टर साहब। क्या पता चल गया किसके? अरे शाह, ओके ओके, ठीक है सर। क्या हुआ सर? अनुराग के कमरे के खिड़की पे जो उंगलियों के निशान मिले हैं वो किसी श्रुति नाम की औरत का है, जो प्रमोद की बीवी है और अनुराग की गर्लफ्रेंड। श्रुति से मिलना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, जब तक इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती आप में से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। एक मिनट, एसएस कुमार, क्या आप लोगों ने हमें इसलिए यहाँ बुलवाया है कि हम सबकी इज्जत उतारी जाए? देखिए, वो कोई मामूली कैंस्टर नहीं था, बहुत अनोखा कैंस्टर था वो। अनोखा? क्या था उस कैनेस्टर में? कुछ छुपा हुआ था क्या? देखिए, इस बारे में हमें कुछ नहीं पता। ये कैनेस्टर तो मैंने कल ही खरीदा था आशा के लिए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये कैनेस्टर चोरी हो गया। सर, घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद है और छत को भी ताला लगा दिया है। गुड। सर हमारी सिक्योरिटी तो बहुत टाइट थी सर। सर कोई भी अगर किसी भी चीज को उठाने की कोशिश करता तो सर अलार्म तो बजना चाहिए था। सर अलार्म बजना चाहिए था? चोरी हो गई, किधर बजा अलार्म? अलार्म बजता कैसे? चोर ने आने से पहले ही अलार्म के बाहर काट दिए होंगे। क्या? नहीं, आपको मालूम था कि यहाँ चोरी होने वाली है? वो एक लंबी कहानी है, पूरी तैयारी के साथ आई होगी वो लड़की। लड़की? आप ये भी जानते थे कि वो चोर एक लड़की है? जी हाँ, और बहुत चालाक है वो, इसलिए मेन गेट से तो आएगी नहीं, कोई और तरीका ढूंढा होगा उसने घर में आने का। अंदर आने का कोई तो रास्ता निकाला होगा उसने। फायरप्लेस? एक्सक्यूज मी, ये फायरप्लेस छत पे खुलता है ना? जी हाँ। बस रेडी, यहीं से आई वो लड़की, पहले से आ गई और गेस्ट के साथ मिल गई, पर मौका मिलते ही ये सोने का कैनिस्टर चुरा लिया। अगर वो अंदर आई है तो अभी भी यहीं पे होगी? नहीं फ्रेडी, वो यहाँ नहीं है, बाहर जाने का इंतजाम पहले से ही कर लिया होगा। ये बाहर क्या है यहाँ पे? वो बंगले का पिछला हिस्सा है, वहाँ पे हमारा बुफे लगा हुआ है। बुफे? जी हाँ,
सिक्योरिटी, किसी भी गेस्ट को अभी बाहर मत जाने देना। कौन आ गया समय? आ गई बाबा, आ गई, आ गई। खोल रही हूँ, खोल रही हूँ। नमस्ते। जरा अंदर चल के बात करें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो बाहर सब लोग सुन लेंगे। अरे अरे, आप लोग कौन हैं और मेरे घर में इस तरह से कैसे घुसे चले आ रहे हैं? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? जी। श्रुति जी, आपके दोस्त अनुराग का खून हो गया, ये तो पता ही होगा ना आपको? क्या? अनुराग मर गया? जी हाँ। कब? कैसे? सर एक्टिंग अच्छी कर रही है। क्या कहा आपने? आप अनुराग से मिलने के लिए गई थी ना कल उसके गेस्ट हाउस में? नहीं, मैं उनसे नहीं मिली थी। आप उसके गेस्ट हाउस में गई नहीं थी? नहीं, कभी नहीं। श्रुति जी, आपकी उंगलियों के निशान हमें वहाँ गेस्ट हाउस में मिले हैं। जब तक कोई खुद किसी जगह पे नहीं जाता तो किसी भी हाल में उसकी उंगलियों के निशान वहाँ पहुँच नहीं सकते, कभी नहीं। पर ये कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है। अनुराग के खून का सीधा संबंध आपसे है। क्यों मारा अनुराग को? अनुराग मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। हाँ, ये तो हम जानते ही हैं। जो आपका कितना अच्छा दोस्त था, जरूरत से कुछ ज्यादा ही अच्छा था, है ना? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं, ये देखिए। ये हाँ, ये आगे बोलिए। मैं अनुराग से बहुत प्यार करती थी और उसके लिए अपने पति को मारा। नहीं, आपने अपने पति प्रमोद का खून नहीं किया? मैंने प्रमोद को नहीं मारा, उन्होंने तो आत्महत्या की थी। प्रमोद ने आत्महत्या की, ये बात आपको कैसे मालूम? वो बोलिए। मैं वो मैं कहने से काम नहीं चलेगा। प्रमोद ने आत्महत्या की और ठीक उसी तरह से अनुराग ने भी आत्महत्या की। क्यों? देखिए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। गलत, आपको सब मालूम है। खून को आत्महत्या बनाने की कोशिश की गई है। पहले आपने अनुराग को अपने चुंगल में फंसा लिया और उसकी मदद से प्रमोद को मारा और फिर अनुराग को भी ऊपर पहुंचा दिया। क्यों? ये क्या कह रहे हैं आप? अनुराग को मारने में किसकी मदद ली? मैंने किसी का खून नहीं किया, किसी को नहीं मारा। श्रुति जी, कल शाम को कहाँ थी आप? मेरी सहेली जागृति की बर्थडे पार्टी थी और मैं वहां से रात को 2 बजे अपने घर आई। श्रुति जी, आपके पति की मौत को अभी 2 महीने भी नहीं हुए और इतनी जल्दी आप जाने लगी पार्टियों में। किसी की मौत के बाद किसी की जिंदगी रुक तो नहीं जाती ना? जिंदगी रुक जाती है या नहीं ये तो नहीं मालूम, पर जागृति की बर्थडे पार्टी थी या नहीं ये जरूर पता लगा लेंगे। ये टेबल्स वगैरह तो सब खाली? आपके मेहमानों ने खाना खा लिया क्या? जी, अभी 1 घंटे पहले ही खाना खा लिया था। ऐसे, खाना बाहर से आया था? जी हाँ, कैटरिंग वाले आए थे खाना बनाने के लिए। कैटरिंग वाले? यार तो कोई दिख नहीं रहा, कहाँ है सब? वो चले गए। चले गए? कब चले गए? अभी थोड़ी देर पहले। अरे तुमने जाने क्यों दिया उन्हें? सर मैंने सोचा कैटरिंग वालों को रोकने से क्या फायदा सर, वो हमारे मेहमान थोड़े ना है और सर वैसे भी तब तक चोरी का कुछ पता नहीं चला था। बेवकूफ, उनको भेजने से पहले वैन चेक की थी? सर नहीं। तुम्हारी वजह से वो लड़की कैनेस्टर चोरी करके चली गई। अरे कम से कम वैन का नंबर तो नोट किया होगा? सिक्योरिटी गार्ड ने नोट किया सर। गुड, रेडी, नंबर लो वैन का और पता करो इस वक्त वो वैन है कहाँ पे। सर मैं जागृति के घर से आ रहा हूँ। श्रुति बिल्कुल ठीक कह रही थी, कल रात जागृति की बर्थडे पार्टी में गई थी सर। श्रुति पार्टी में थी तकरीबन 2 बजे तक और अनुराग का खून हुआ 12:30 बजे, तो फिर श्रुति की उंगलियों के निशान वहाँ रेड क्लाउड गेस्ट हाउस के खिड़की पे कैसे आया? वो इसलिए सर क्योंकि वो निशान श्रुति का था ही नहीं। श्रुति का नहीं था? और डॉक्टर सालुंके ने खुद कहा था कि उंगलियों के निशान श्रुति के हैं। हाँ सर, ये रही डॉक्टर सालुंके की नई रिपोर्ट। जो निशान हमें गेस्ट हाउस के खिड़की पे से मिला था वो इस रबर ग्लव का था। हाँ सर, रबर ग्लव का निशान, उन्हीं ने खास रबर ग्लव बनाया था जिसपे श्रुति की उंगलियों के निशान थे और उसने वो निशान वहाँ जानबूझ के हमारे लिए छोड़ा ताकि हमारा शक श्रुति पे जाए। हाँ सर, उसने बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग कर रखी थी। पहले श्रुति के पति को मारा, उसके बाद उसके प्रेमी को और उसके बाद श्रुति की उंगलियों के निशान वहाँ क्राइम सीन पर छोड़ दिए। पता करते हैं कि इस तरह का रबर ग्लव इस शहर में कौन बनाता है
जिस पर दूसरों के उंगलियों के निशान लिए जा सके। इस वक्त कौन आया? कोई गड़बड़ तो नहीं? जी राजू तुम ही हो ना? हाँ मैं ही राजू, बोलो क्या काम है? राजू भाई हमने सुना है कि आप लोगों की उंगलियों के निशान वाले ग्लव्स बनाने में एक्सपर्ट हैं। उंगलियों के निशान वाले ग्लव्स? ये आप क्या कह रहे हैं सर, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत है? मेरे पास मत आना, मैं कहता हूँ आगे मत बढ़ो, मैं गोली चला दूंगा, आगे मत बढ़ो, गोली चला दूंगा मैं। बंदूक चलाने का बहुत शौक है तुझे। सर थप्पड़ मारने की क्या जरूरत है, आप प्यार से बोल देते तो वैसे ही मैं बंदूक आपको दे देता। क्या है ना आजकल तुम जैसे लोगों को प्यार की भाषा समझ में नहीं आती। श्रुति की उंगलियों को निशान किसने दिए तुम्हें? श्रुति कौन? देखिए सर मेरे पास बहुत से लोग आते हैं उंगलियों के निशान वाले ग्लव्स बनवाने, सर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। इस महीने में किन किन लोगों के लिए तुमने ग्लव्स बनवाए कुछ याद है? उसकी लिस्ट है तुम्हारे पास? सर सर एक मिनट। मैंने 7 लोगों के लिए उंगलियों के निशान वाले ग्लव्स बनवाए तुमने। जसलोक, तनुज, अनिकेत, प्रेरणा, सौरभ, रजत और किशोर। सर इस तनुज का नाम सुना सुना से लग रहा है। कहाँ सुना तुमने? क्या करो? सर इस तनुज का नाम अनुराग और प्रमोद की फोन लिस्ट में था, उसने इन दोनों को फोन किया था। ओह तो ये तनुज है जो श्रुति को फंसाने की कोशिश कर रहा है। हेलो, काम हो गया। शाबाश जूही, शाबाश। तुम जितनी होनहार हो उतनी खूबसूरत भी। और जितनी खूबसूरत हूँ उतनी ही खतरनाक भी। बेशक, पर अब और सब्र नहीं होता, जल्दी से मेरा सामान लेकर आ जाओ। लगता है तुम्हारे लिए ये सामान बहुत कीमती है। मेरी जान से भी ज्यादा। पता था, इसीलिए अब इस सामान की कीमत 50 लाख रुपए नहीं है बल्कि पूरे 1 करोड़। पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। सोच लो अगर यही सामान मैं खुद बाजार में बेचने जाऊं, तो 5-10 करोड़ तो आराम से मिल जाएंगे। भूल कर भी ऐसा मत करना, तुम्हें तुम्हारे 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। मुझे शाम 6 बजे दारा चौक पर मिलो। बाजी पलट गई है जाकी, कठपुतली की डोर अब मेरे हाथों में। क्या मतलब? मतलब ये कि मिलने का वक्त और जगह अब तुम नहीं मैं बताऊंगी। What? अगर सामान चाहिए तो रात के ठीक 9 बजे जयपार्क जंक्शन पहुँच जाना, समझ गए? ठीक नहीं कर रही हो, इसका अंजाम। गुड बाय। सर वो सोने का कनिस्टर ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 लाख रुपए का होगा, इतनी सी रकम के लिए इतना बड़ा बवाल मचा हुआ है। रेडी, ये पैसों के लिए नहीं हो रहा, ये सारा मामला कुछ और ही है, नहीं तो एसीपी साहब इसमें इतनी बुरी तरीके से नहीं फंस जाते। मतलब सर कैनिस्टर के अलावा और भी कुछ है इस चक्कर में? हाँ कुछ और ही मामला है। मगर सर एसीपी साहब इस चक्कर में फंस कैसे गए? कुछ समझ में नहीं आ रहा रेडी, असली बात क्या है। हेलो कहाँ पे? पसाल नगर। ओके ओके थैंक यू सर। उस कैटरिंग वैन को पसाल नगर के आसपास देखा गया। वो कैनिस्टर उस वैन में ही है और वैन को चला रही है जूही, उसको पसाल नगर में ही पकड़ते हैं। वो देखिए वैन। इसे मालूम था ज्यादा देर तक वैन में रहेगी तो पकड़ी जाएगी। कैटरिंग कंपनी का स्टिकर भी नकली है सर। चेक करो गाड़ी में कुछ मिलता है क्या। सर
कपड़े छोड़ के भागी है। ये रस्सी, ये जैकेट, पुल्ली, इसी की मदद से वो मिस्टर कुमार के घर में घुसी और वो कैनिस्टर चुराया। अब वो कैनिस्टर लेके यहाँ से भी भाग गई है। ये लड़की बड़ी ट्रेंड अपराधी है सर, बिजली की तरह एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। यहाँ से कहाँ गई? गई कहाँ होगी? जयपक जंक्शन। जयपक जंक्शन? वो जुई के कमरे में हमें कागज मिला था ना, उसमें लिखा हुआ था जयपक जंक्शन। ये सोने के कैनिस्टर का लेन देन शायद वहीं पे होने वाला है। फिर तो सर हमें जल्दी से जल्दी वहां पे पहुंचना होगा सर। ये तनुज का मोबाइल इस एरिया में है ना? हाँ सर, जीपीएस इस एरिया में बता रहा है। सर शायद हो रही तनुज की बात। हाँ मैंने देख लिए, बहुत भगा रहा है गाड़ी, देखते कहाँ तक भगाता है। ये कॉलेज में कौन है? ये मेरा पीछा तो नहीं करना। आप लोग कौन है? लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया? हाँ सर। भागा क्यों? मैं तो नहीं भागा, मैं तो बच्चे नहीं भागा। मैंने 10 साल पहले का बदला लिया सर। मेरे पिताजी को भी ऐसे मार दिया गया था, इंसाफ नहीं मिला था सर। तो तुमने इसीलिए जबरदस्ती उन दोनों प्रमोद और अनुराग से सुसाइड मैसेज रिकॉर्ड करवाया डिक्टाफोन में और फिर उन्हें मार दिया स्लीपिंग पिल्स खिला के, ताकि लोगों के नजर में तुम्हारे पिताजी का केस फिर से आ जाए। प्रमोद और अनुराग का कसूर क्या था? क्यों मारा उन्हें? अनुराग मेरा बिजनेस पार्टनर था सर, मैं जानता था कि वो शुरू से प्यार करता है उसके पति प्रमोद को होता है। तो दोनों खून करके श्रुति को फंसा दिया, तुम्हें लगा क्यों ना मौके का फायदा उठाया जाए। इससे मेरे पिताजी को इंसाफ भी मिल जाता और किसी को मुझ पर शक भी नहीं होता सर। बेवकूफ हो तुम, हर खूनी को यही लगता है कि कोई उन्हें देख नहीं रहा, उनके दिमाग में क्या चलता है किसी को पता नहीं चलता है और आसानी से वो बच के निकल जाएंगे। मगर सीआईडी हमेशा तुम लोगों को मात दे देती है, तुम जैसे खूनी को फांसी के फंदे तक पहुंचा के रहती है। बोला था तुम्हें 9:15 बज रहे हैं। वो क्या है ना मैडम, अपने देश में वक्त पे आने वाले लोगों की इज्जत ही नहीं होती। अरे रहने दो, पैसे लाए हो? पूरे 1 करोड़, लेकिन पहले कैनिस्टर। ला मुझे दो। अरे पहले पैसे दो। पैसे मिल जाएंगे तुम्हें, पहले कैनिस्टर दो। लगता है तुम्हारा बॉस तड़प रहा है इस कैनिस्टर को पाने के लिए। क्या नाम है उसका? है लड़की, ज्यादा मत उड़, नहीं तो तेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। कैनिस्टर चाहिए तो सीधे सीधे अपने बॉस का नाम बताओ। तुझसे किसने कहा है कि मेरा भी कोई बॉस है? या पत्ता भी हिलता है ना तो सिर्फ मेरे इशारे पे हिलता है। चलो। अरे ये लो, कौन है? अरे अरे सर, आप ठीक तो है ना सर? हाँ। रुक जाओ।
मैं एम्बुलेंस का फोन करता हूँ। चलते जोई, वो कैनिस्टर कहाँ है? वो मलोट हॉस्पिटल। वो लोग बोले क्या? मुझे जयपाक जंक्शन पे एक एम्बुलेंस चाहिए फौरन। क्या है उस कैनिस्टर में? ये जोई, उस कैनिस्टर में क्या है? ये सर, मैंने फोन कर दिया है, एम्बुलेंस आती होगी। कोई फायदा नहीं फ्रेडी, She's dead. मर गई? मरने से पहले ये अपने सिर पे कुछ इशारा कर रहे थे। My God. सीआईडी का बब्बर शेर चूहा बन गया है। चूहा देख देख कैसे घूर रहा है। अबे घूरता क्या है, आंखें निकाल लूंगा तेरी। इसे गोली क्यों नहीं मार देते? नहीं नहीं, इसे जिंदा रखना है, बॉस का हुक्म है। हो गया, यहीं पे ढेर कर दूंगा तुझे। भूल जाऊंगा कि बॉस ने क्या हुक्म दिया था। अभी बहुत जान बाकी है इसमें। ले चलो इसे, ऐसी जगह गाड़ेंगे जहां ना चांद दिखेगा और ना सूरज। खड़ो। क्यों बुला? फोन पे तो बात कर सकते थे। फोन पे कभी कभी लोग बातें सुन लेते हैं। मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, मेरा इन्वेस्टिगेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, वापस जाना होगा। और एसीपी साहब जो गायब है, इस केस को कौन सॉल्व करेगा? तुम हो ना? मगर मैं अपनी ड्यूटी भूला नहीं हूँ। ये मत भूलो दया, तुम्हें ऑफिसर किसने बनाया? आसमान से नहीं टपके हो तुम, एसीपी साहब ने तुम्हें ऑफिसर बनाया। इन्वेस्टिगेशन की ABC उन्होंने सिखाई है तुम्हें, और उन्होंने मुझे ये भी सिखाया कि अपने काम से कभी पीछे मत हटना, और मैं वही कर रहा हूँ। उस लड़की के बारे में पता चल गया दया। कौन सी लड़की? वो हाँ वही जिससे मिलने एसीपी साहब रेस्टोरेंट में गए थे, उसका नाम जूही है। जूही? उसने मोहित कुमार नाम के बिजनेसमैन के घर से एक सोने का कनिस्टर चुराया था। सोने का कनिस्टर? कहीं ये वही कनिस्टर तो नहीं जिसकी फोटो हमने एसीपी साहब के घर में देखी? वही है, वही है। उस कैनिस्टर में कुछ है जिसकी वजह से वो कैनिस्टर जूही किसी को बेचने वाली थी। बेचने वाली थी? हाँ, जिसने वो कैनिस्टर खरीदा उसने जूही का खून कर दिया। जूही मर चुकी है और वो कैनिस्टर भी जा चुका है। अब क्या होगा? जूही के सिर के अंदर कुछ छुपा हुआ है, वही हमें मुजरिम तक पहुंचा सकता है। मुजरिम तक मतलब एसीपी साहब? ओ ए भगवान, फिर वही बात। ये एसीपी का राग अलापना बंद करो दे। कैसे समझाऊं तुम्हें दे? कैसे समझाऊं? क्या समझाओगे तुम मुझे? एसीपी साहब को उस कैनिस्टर के बारे में पहले से मालूम था, फिर भी उन्होंने उस लड़की जूही उसका खून होने दिया। ये क्या हो गया दया, तुम्हें क्या हो गया है? ये DCP चित्रौल ने तुम्हारे दिमाग को घुमा दिया है। तुम्हारी जुबान से वैसा ही जहर टपक रहा है जैसा उसकी जुबान से निकलता है। अभिजीत, DCP चित्रौल से मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा हूँ। और DCP चित्रौल, उसने गलत क्या कहा? अगर ACP साहब ने कुछ नहीं किया तो वो छुप क्यों रहे, सामने क्यों नहीं आ रहे? वो कोशिश कर रहे होंगे कि वो कैनिस्टर कहीं गलत हाथों में ना पड़ जाए। आज तक कभी ऐसा हुआ है?
कि एसीपी साहब ने सारा काम अपने आप ही कर लिया, हम लोग क्या मर गए? हमें भी तो बोल सकते थे। क्या हो सकता है इस बार एसीपी साहब की जान खतरे में? हो सकता है बदमाशों ने पकड़ लिया। एसीपी साहब को पकड़ना कोई आसान काम नहीं है अभिजीत, और ये बात तुम भी जानते हो। बड़े बड़े शेर भी कई बार धोखा खा जाते थे। उस जगह का एड्रेस है जहाँ पे जूही की लाश पड़ी है, देख लेना। अभिजीत ठीक कह रहा था, इस लड़की के कान के पीछे ये चिप मिली है। कोई आदमी कहाँ कहाँ जा रहा है ये पता लगाने के लिए किसी के बॉडी में ये चिप लगाया जाता है, जैसे मोबाइल फोन, कहीं भी छुपाया नहीं जा सकता। दिखा। तो इसका मतलब है कि ये जूही भी एक क्रिमिनल है जैसा ये करम था? हाँ सर, शायद ये दोनों एक ही गैंग के लिए काम कर रहे थे। एक ही गैंग के है ना? गैंग का नाम मालूम है? नहीं सर। प्रद्युमन गैंग, प्रद्युमन गैंग के लोग हैं ये। सर अगर ये दोनों मुजरिम थे और इन्हें कोई मार रहा है तो इसका मतलब कोई तो ऐसा आदमी है जो पूरे गैंग को खत्म करना चाहता है। हाँ, और दूसरी बात, अगर ये दोनों एक ही गैंग के हैं तो एक के कान के पीछे तो चिप है, दूसरों के कान में क्यों नहीं? सर वो लड़खड़ाई जवान, फिर से लड़खड़ाई दिख रहा है सर, दिख रहा है। ओ, चालूं के? ये सर, यहाँ से चिप नहीं मिला ना? नहीं मिला सर, मिलता तो मैं आपको बताता सर। अगर मैंने ये सूट नहीं पहना होता ना तो दिखता कि किस तरह से मेरी बॉडी में से धुआं निकल रहा है। आजकल तेरे नाम से ही मेरा सिर भिन्नाने लगता है। सर आप चुप। ये खाओ कैसा है इस कान के पीछे? चिप था ना यहाँ पे? एक बार पहले भी झूठ बोल चुका है सालों के। इस आदमी का खून एसीपी ने किया है ये बात छुपाने की पूरी कोशिश की थी ना? कहाँ चिप? वो मैं आपको नहीं बता सकता, वो आपको एसीपी प्रद्युमन से पूछना पड़ेगा। ओह भाई, प्रद्युमन से पूछ, हर बात प्रद्युमन से पूछ। 15 साल में क्या कर दिया तुम लोगों ने सीआईडी का? डॉक्टर साहब चिप मिला था। हाँ सुना, मुझे इस आदमी के कान के पीछे से ऐसा ही चिप मिला था। एसीपी प्रद्युमन ने मुझे अपने घर पर बुलाया था इसके कान के नीचे से चिप निकालने के लिए। देखा, आजकल लाश फॉरेंसिक लैब में नहीं आती है, लाश एसीपी के घर में जाती है ना? घर में लैब खोल रखी है उसने, बाप का राज है। मुफ्त का चंदन घिस मेरे लाला, तू भी आ जा बाप को भी बुला ला। इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपाई, आपसे ये उम्मीद नहीं थी डॉक्टर साहब। अरे प्रद्युमन के एहसान है इसके ऊपर, एहसानों का बदला चुका रहा है। सर प्लीज प्लीज, अब सालों के सर के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने काम को पूजा समझ के काट दिया। कौन है ये पूजा? काम की पूजा है? प्रद्युमन के घर में कहाँ है वो चिप? वो चिप मैं आपको नहीं दे सकता सर। नहीं दे सकते? नहीं। डीसीपी विश्वास शमशेर चित्रोले की कोई औकात नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं दे सकते? मतलब ये कि वो चिप मेरे पास है ही नहीं। वो चिप एसीपी प्रद्युमन अपने साथ लेके गए। ये क्या कर दिया? इतना बड़ा सबूत एक मुजरिम के हाथ में दे दिया? सर मैंने वही किया जो मैंने ठीक सालों के। जल्दी से जल्दी अपने लिए एक आश्रम ढूंढ ले, तेरी बाकी जिंदगी वहीं कटे। चलो निकल लो, मरवा दिया इसने। अब पता नहीं एसीपी क्या क्या गुनाह करेगा उस चिप के साथ में। चलो उस कंपनी को कॉन्टेक्ट करो जो ये चिप बनाते हैं, वहीं से कुछ पता चलेगा। हेलो ऑफिसर, आई एम सुनील, यहाँ का हेड। मिस्टर सुनील, ये चिप्स देखिए, ये आप ही की कंपनी की है ना? जी हाँ, मगर ये आपको कहाँ से मिली? लाश में से। लाश? जी हाँ, मुजरिमों के लाश। मुजरिमों की? बट ऑफिसर, हम तो सिर्फ पुलिस, आर्मी और इंटेलिजेंस वालों को ये चिप्स भेजते हैं, तो इनके किसी अपराधी तक पहुंचेगा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये चिप्स आपने किसको भेजी थी? या श्योर, वन मिनट।
ये चिप तो इंडियन पुलिस को बेची गई थी। इंडियन पुलिस को? जी हाँ। अरे शाह, या 100%। मतलब सर ये लोग मुजरिम नहीं, पुलिस वाले हैं, अंडरकवर। एसीपी साहब इन अंडरकवर पुलिस वालों के साथ इस केस पे काम कर रहे थे। अभिजीत का शक सही था। सर मुझे तो बहुत डर लग रहा है, एक एक करके इन पुलिस वालों का खून हो रहा है। कहीं एसीपी साहब को तो कुछ नहीं? नहीं, एसीपी साहब को कुछ नहीं होगा, हौसला रखो। थैंक यू सो मच। थैंक यू, यू आर वेलकम। अपने भगवान को याद कर ले एसीपी, क्योंकि तेरी जिंदगी का काउंटडाउन अब शुरू हो रहा है। एसीपी को मारना इतना आसान नहीं है, समझे? नहीं नहीं नहीं, मैं तुझे नहीं मार रहा हूं, मैं ऐसा पाप नहीं करूंगा। मैं तो तुझे इस गड्ढे में डाल रहा हूं। इसकी क्या सजा मिलेगी तुम्हें पता है? सजा तो तब मिलेगी ना जब तू जिंदा रहेगा। इस काल कोठरी में तू पागल हो जाएगा, पागल। और ना तो तुझे कोई पहचान पाएगा और ना तू किसी को पहचानने के लायक रहेगा। डाल दो इसे। जाते जाते एक बात सुनता जा, तेरे पास सिर्फ 24 घंटे हैं, सिर्फ 24 घंटे। जहां छुपना है छुप जा, क्योंकि 24 घंटे के अंदर मेरे जाबाज ऑफिसर आकर मुझे यहां से निकाल लेंगे। और फिर क्या होगा सोच ले। एसीपी, 24 घंटे तो क्या, 24 सालों में भी तुझे यहां से कोई नहीं निकाल पाएगा, समझा? बंद कर दे इसे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.